Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. I am good and I hope that you guys are also doing good. So today in this video, we are going to make fudge brownie. So any further ado, let's get the video. आज फज ब्राउनी बनाने की यमी एंड टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे और स्क्रीन पे क्वांटिटी साथ साथ आप देखते रहिए. बटर लेंगे, क्रेव चॉकलेट लिए, व्हाइट फ्लावर, 3 eggs, ये प्लेन चॉकलेट वही मेल्ट करेंगे आपके सामने, कोको पाउडर, ये शुगर है और ये ब्राउन शुगर है, वनीला एक्सट्रैक्ट है और साथ डेकोरेशन के लिए ऊपर हमने ये स्प्रिंकल्स हैं और बटर को मेल्ट करते हैं. साथ चॉकलेट मेल्ट कर लेंगे बटर मेल्ट करने के बाद. और इतना तेज आंच नहीं रखनी है कि ये जल जाए, सिर्फ इसे मेल्ट करना है. सारा मिक्स हो गया अंदर, इसको ठंडा कर लेंगे नीचे. हाफ शुगर एंड हाफ ब्राउन शुगर और तीनों ये है अंडे, इनको साथ मिक्स करेंगे. अगर हाफ शुगर आप ना डालना चाहें तो चीनी डाल सकते हैं आप, लेकिन इससे आपका जो है टेस्ट वो बहुत ज्यादा यमी हो जाता है. चॉकलेट बैटर ये ठंडा हो जाए तो फिर आपने मिक्स करना है अच्छे तरीके से. इसको भी मिक्स कर लेंगे. ये देख सकते हैं इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तो आपने मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना. ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं. एक प्याली भर के हमने ये ले लिया मैदा और उसमें हम डालेंगे ये पिंच ऑफ सॉल्ट, कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और साथ किसी अच्छे ब्रांड का आप यूज कीजिएगा, कोको पाउडर 1/2 कप जितना, वो साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से. आज हम बीटर यूज किए बगैर हम इसको बनाएंगे स्पैचुला की मदद से और वनीला एक्सट्रैक्ट हम मिक्स करेंगे साथ ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करने से पहले और साथ थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे, साथ मिक्स करते रहेंगे. बेकिंग पेपर इसके ऊपर यूज करेंगे, बटर पेपर पहले ग्रीस कर दिया हमने, इसके साइज का काट के इसको सेट कर देते हैं. ये बैटर हम पोर कर देंगे इसके अंदर. ये देखिए पार्चमेंट पेपर लगा के पहले नीचे ग्रीस किया इसको, उसके बाद हम सारा पोर कर देंगे. इतना ज्यादा पोर नहीं करना, देख के कीजिएगा. अगर जितना मोटी आप इसकी तह लगाएंगे उतनी देर से बेक होगा. डालने के बाद 2-3 दफे इसको मिला लेंगे अच्छे तरीके से, एडजस्ट हो जाइए. चॉकलेट चिप डाल देंगे ऊपर, इससे ज्यादा यमी लगता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, लुक भी बहुत अच्छी आती है. आप जैसा कि देख रहे हो व्हाइट तो सारे मिक्स हो गए, गर्मी है ये नहीं डाल सकते. अब इसको हम रखते हैं अंदर, ये विदाउट ओवन है, इतना गर्म कर लेंगे इसको कि अंदर भाप बन जाए और इसको 20 मिनट के लिए ढक देंगे. ये बेक हो गई, थोड़ी देर इसको पलट लेंगे और आपको दिखाते हैं.
सो हियर वी आर डन एंड नाउ मम्मा ने इसके अंदर आइसक्रीम रख दी थी क्योंकि हम देखते हैं ब्राउनी के साथ आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है एंड नाउ वी हैव स्प्रेड न्यूटेला ओवर हियर एंड दिस इज सो सॉफ्ट एंड सो स्मूथ. सो यस गाइस, दिस वाज द वीडियो एंड रेसिपी. आई होप दैट यू गाइस लाइक दिस. इफ यू गाइस लाइक दिस द लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय. फॉलो मी इंस्टाग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स.